दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हिंदी में न्यूज़ चैनलों के जरिए कुछ डॉक्टर हैं जो आते हैं न्यूज़ चैनलों को समझाने के लिए, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं हैं हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच जो समझने वाले लोग हैं उन तक वो सूचना शायद ठीक से नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कि सरकारें भी काफ़ी प्रयास कर रही हैं और जूझ रही हैं इस बात को लेकर। तो मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग दक्षिण भारत के हैं, कई लोग पूर्वोत्तर के हैं, कई लोग विदेशों में रहने के कारण आप ज़्यादा अंग्रेज़ी में समझते हैं, मराठी के लोग हैं, बांग्ला के लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आज मैं आया हूं कि देखिए 10 से 15 करोड़ लोग भोजपुरी में बोलते हैं और आप जानते हैं कि मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी नहीं है, वो भोजपुरी है। और इस समाज में बहुत दूर तक लोग गए हैं पर फिर भी गरीबी है और बहुत लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली है। तो इस वक्त जो दुनिया में सूचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियां बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं किसी के लिए भी। और अभी भी आप देखें तो वो जो उनका प्रवाह है जानकारियों का वो एक उच्च वर्ग मध्य वर्ग तक आते आते फिर कमज़ोर पड़ने लगता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि शहरों में ठीक ठाक इसका पालन हुआ है, हालांकि पढ़े लिखे लोग भी चले जाते हैं रैली करने विजय दिवस निकालने के लिए, हालांकि जबकि कोई ऐसी विजय की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस तरह के मूर्खता के सैंपल हमारे पास मिलेंगे और उनके लिए कोई टेस्ट किट बनाने की जरूरत तो नहीं। आप सभी को प्रणाम। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी बोलता जाऊं ताकि आपको निराशा ना हो। तो अब मैं शुरू करता हूं। हाँ, डोर लॉक्ड है, अभी मैं कुछ कर रहा हूं। तो आप जानते हैं कि घर पे हैं तो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि पहले इस कोरोना वायरस के की दवा तो किसी के पास नहीं है, ये आपके पास जानकारी है, और कोई जादू टोटका काम नहीं आने वाला है। सफाई और घर में रहना यही एक उपाय है। दुनिया भर की सरकारें जो कदम उठा रही हैं उसमें कोई अब नयापन नहीं है, सब या तो कोई कदम पहले उठा रहा है या वही कदम बाद में उठा रहा है। तो इसमें किसी को बेसी श्रेय देने का नहीं है। अब बहुत देर हो गई, वो आप मैं कहूँगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन विश्व बैंक ने भी इसको पैंडेमिक घोषित करने में, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी काफ़ी देरी की है, और सरकारों ने भी, अमेरिका की सरकार ने काफ़ी लंबा समय लिया, इसको मजाक खेल समझ रहा था और देखिए वहाँ पर कितने लोग मर गए हैं। भारत में एक अच्छी स्थिति यह है कि बीमारी अभी भी एक नियंत्रित स्थिति में दिख रही है, पर खतरा गया नहीं है, कम लोग मरे हैं। और हम लोग अगर मिलकर कड़ाई से कर लें, सामाजिक दूरी बना कर रखें, दुकान में लाइन लगाएं 6-6 फीट की दूरी पे, ज़रूरत का ही सामान खरीदें, और इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सत्यवादी आचरण करें, झूठ में ना रहें, धोखे में ना रहें, अस्पतालों के इंतज़ाम के बारे में सोचें। अब नहीं है हमारे पास, बहुत ही घटिया व्यवस्था है स्वास्थ्य की हमारे यहाँ। डॉक्टर, अब देखिए डॉक्टर लोग भी जय जय में लगा हुआ था, लेकिन जब पता चला कि उनको इलाज करना है तो फोन कर रहा लोग, रवीश जी आप कहाँ हैं, छुट्टी पे क्यों हैं, क्यों नहीं हमारी सुरक्षा की बात उठा रहे हैं। तो फेसबुक पे तो हम बहुत लिखे हैं कि और वो होना चाहिए, क्यों नहीं था, क्यों नहीं हुआ, 2.5 महीने में 30 जनवरी को आया, वो अब तक सारे अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंचाएगा। क्या ये सवाल गलत है, किससे जाके पूछेंगे, हर जगह पूछा जा रहा है, न्यूयॉर्क में पूछा, न्यूयॉर्क का मेयर रोज अपने राष्ट्रपति से कह रहा है कि भाई आप कब ऑर्डर करोगे सामान, दोगे कि नहीं दोगे, हमारे पास वेंटिलेटर की सप्लाई कम हो जाएगी। हो सकता है हमको जरूरत ना पड़े, हो सकता है, लेकिन अगर हम इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सवाल को प्रमुखता देंगे तो हो सकता है कि यही नेता जिन्हें हम बहुत दोष देते हैं, बहुत ताने मारते हैं, बहुत आलोचना करते हैं, उनके दिमाग में ये सबसे ऊपर बात आएगी कि हाँ अब हमको अगर कुछ करते हुए दिखना है तो अस्पताल बनाते हुए दिखना है। कोई वेंटिलेटर की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो हम सुरक्षित रहेंगे तो डॉक्टर को भी सुरक्षित रखेंगे, जितना ज़्यादा डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे उतना ज़्यादा हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये चीज़ देखना है, गांव में शहर में भीड़ बना के मैच मत खेलिए, क्रिकेट मत खेलिए, कहीं जाके सब्जी बाजार में, ये सब गैस का ही लेने गए हैं, मान लीजिए चले गए हैं
ठीक है, अब सरकार हर चीज तो नहीं बंद कर सकती है, तो आप दूरी बनाकर, तो जितना ज्यादा आप अनुशासन का पालन करेंगे, सरकार आपको निगरानी करने की जिम्मेदारियों से मुक्त होगी, और जब उसका समय बचेगा तो क्या करेगी? फिर आप पूछिए कि आप अस्पताल बनाने में क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, सैंपल टेस्ट करने का किट कहाँ है आपका, क्यों नहीं आया अभी तक, कितना सैंपल टेस्ट किट है आपके पास बिहार में, क्यों सिर्फ RMI पटना में हो रहा है, क्यों नहीं मोतिहारी में हो रहा है, बेतिया में हो रहा है, और अगर बेतिया में किसी को हो गया इस तरह का लक्षण आया तो किस तरह से उसका सैंपल पटना जाएगा, किस तरह से उसका सैंपल गाजीपुर के गहमर गांव से बनारस पहुंचेगा, ये सवाल कौन पूछेगा? पत्रकार पूछेगा। तो इसलिए हम जब सवाल पूछें तो हमारा साथ दिया कीजिए, गाली मत दिया कीजिए क्योंकि हम सब जिंदगी और मौत के एक ही नाव पर सवार हैं, हम सबको मिलकर एक दूसरे से दूर रहते हुए एक दूसरे को बचाना है, खुद को बचाना है। एक ही प्रेस्क्रिप्शन पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, स्टे एट होम, घर पर रहिए, किसी के पास अभी कुछ नहीं है तो बुलंद रहिए, खूब पॉजिटिव माइंड में रहना है, खूब पॉजिटिव माइंड में रहना है और इस बीमारी का सामना करना है। जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं सरकारें घोषणा कर रही हैं, देखिए कि वो लोगों को, उनको खाना, हाथ में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अपने गांव के मुखिया को फोन कीजिए आप कि विधवा पेंशन का पैसा गया कि नहीं गया, उसके हाथ में मिला कि नहीं मिला, जाकर दे के आए कि नहीं दे कर आए, और देकर ही नहीं, उन सबको खाने का कोई व्यवस्था है कि नहीं है। जो भी कम्युनिटी की व्यवस्था करें वो एक इंडिविजुअल तरीके से करें, नहीं ये पूरा वहाँ भीड़ लगा दिए, पूरा एकदम शामियाना लगा के 5 हलवाई जुटा के खाना बन रहा, नहीं नहीं, भात एक जगह बनेगा, दाल एक जगह बनेगा, सब्जी एक जगह बनेगी और खाने को रख दिया जाएगा, लोग आएंगे अपना अपना खाना उठाकर चले जाएंगे एक दूसरे से दूरी बनाते हुए, एक तरह का बुफे सिस्टम बनाना है। तो हम लोगों को लगातार नया नया आइडिया सोचना है। अब ये भी सोचना है सरकारों को, धड़ से सारा शहर बंद कर दिए तो अस्पताल के छोटे मोटे कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे, पास बनवा दे, कौन जाएगा पास बनवा में, सबको थोड़ी सिस्टम आता है बेचारा काम करने में, तो सबको एक तरह का कुछ एक व्यवस्था कीजिए जिससे अस्पताल में सप्लाई कम ना हो, जल्दी से जल्दी अस्पताल बनाइए। और जागरूकता, आप जो जान रहे हैं वो दूसरों को बताइए, मिलकर चलिए, मिलकर बचाइए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।